वेलकम दोस्तों, इंस्टा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो पे मैं आप सबको हीरो प्लेजर क्लास प्लैटिनम DS6 FI के बारे में सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है वो स्कूटर मेरे पास में है। अभी इस स्कूटर का मैं फुल रिव्यू करके आप सबको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं कि स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स दिखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, ये है आपका हीरो प्लेजर प्लस प्लैटिनम एडिशन, जो कि एक नया अवतार डिज़ाइन के साथ आपके सामने है। आज के इस वीडियो पर मैं इस स्कूटर के सारे डिटेल्स आप सबको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी बदलाव के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली बदलाव जो आपको दिखने को मिलेगा वो है इसकी साइड मिरर। आप देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन बनाया गया है, थोड़ा सा नया डिज़ाइन यहाँ पे दिखने को मिलता है। और इसके कलर पे जो ब्लैक एंड क्रोम का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो काफ़ी पसंद आएगा आपको। इसकी फ्रंट साइड की नीचे की साइड पे यहाँ पे भी क्रोम डिज़ाइन आपको दिखने को मिलता है। इसका इनर पैनल जो दिया गया है वो ब्राउन कलर पे दिया गया है, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी आकर्षक लगता है। इसकी सीट की पीछे की साइड पे एक बैगरेज दिखने को मिलता है, जो कि प्लेजर प्लस पे आपको ग्रैपरेल मिलता था। टोटली अगर आउटलुकिंग की बात की जाए तो काफ़ी नाइस डिज़ाइन कंपनी ने इसका बनाया है। इसके हेडलाइट की डिज़ाइन की बात की जाए तो वही आपको प्लेजर प्लस का ही हेडलाइट की डिज़ाइन यहाँ पे भी दिखने को मिलता है, लेकिन इसके कलर पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे हैलोजिन बल्ब लाइट का यूज़ किया गया है 12V 35W की। फ्रंट साइड के नीचे की साइड पे यहाँ पे हीरो का एक 3D लोगो भी दिखने को मिल जाता है। उसके ठीक नीचे की साइड पे यहाँ पे दोनों तरफ आपको दो इंडिकेटर दिखने को मिलता है, जो कि बल्ब लाइट का यूज़ किया गया है। इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो बॉटम लिंक विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। वैसे हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर हो उसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसकी फ्रंट टायर की साइज की बात की जाए तो 90 सेक्शन का टायर का साइज दिखने को मिलता है। इसकी साइज है 90x110 ट्यूबलेस टायर। इसकी ब्रेकिंग पे IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिखने को मिलता है। फ्रंट ब्रेकिंग की साइज पे 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसकी मीटर कंसोल पे वही एनालॉग मीटर दिखने को मिलता है। यहाँ पे फ्यूल मीटर, यहाँ पे एनालॉग स्पीड मीटर और यहाँ पे मल्वे फंक्शन, लाइट इंडिकेटर एंड फ्यूल का लोगो भी दिखने को मिल जाता है। हैंडल बार के बाएं ओर यहाँ पे लाइट अप एंड डाउन एंड इंडिकेटर का स्विच आपको मिल जाएगा और दाएं ओर यहाँ पे ओनली सेल्फ का बटन आपको मिल जाएगा। राइडर की फ्रंट साइड पे यहाँ पे दो बॉक्स छोटा छोटा दिखने को मिलता है, जहाँ पे आप आपकी जरूरती कुछ सामान रख सकते हो। इसी बॉक्स के नीचे के साइड पे यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग की ऑप्शन भी कंपनी ने दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। राइडर के सीट के नीचे की साइड पे यहाँ पे एक हुक भी दिखने को मिल जाता है, जहाँ पे कुछ सामान आपकी हैंगिंग करके रख सकते हो। पीछे जो बैठेगा उसकी पैर रखने की जगह यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है। अगर इसकी सीट की बात की जाए तो काफ़ी सॉफ्ट सीट दिखने को मिलता है, छोटे हाइट के आदमी भी इस स्कूटर को आराम से चला सकता है। वैसे ये काफ़ी लंबा सीट है। इस स्कूटर के पीछे की साइड पे यहाँ पे प्लेजर प्लस प्लैटिनम का एक 3D लोगो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग पे दोस्तों सेल्फ के साथ किक का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके इंजन पे दोस्तों एयरकोल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OAC 110.9cc का इंजन दिया गया है। इसकी मैक्स पावर पे दोस्तों 7000 RPM पे ये 8.1 PS की पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क पे दोस्तों 5500 RPM पे ये 8.7 Nm की टॉर्क पैदा करती है। FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी दिया गया है। 110cc का स्कूटर है, इसलिए इसका माइलेज भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 50 से 55 km/L की माइलेज आपको इस पे मिल जाएगा। दोस्तों कलकत्ता पे इसके एक शोरूम प्राइस रखा गया है 57,000 rupees के आसपास पे। इसके पीछे की सस्पेंशन को देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्विंग आर्म विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिखने को मिलता है। इसके पीछे की ब्रेकिंग पे भी वही आपको ड्रम ब्रेक दिखने को मिलता है। इसके साइज है 130mm। इसके पीछे की टायर के साइज पे 90 सेक्शन का टायर का साइज दिखने को मिलता है। फ्रंट एंड रियर टायर की साइज सेम है। इसके साइज है 90x110 ट्यूबलेस टायर। इसके बैकलाइट की डिजाइन काफी नाइस है। मेन बैकलाइट के साथ इसका इंडिकेटर का डिजाइन अटैच हुआ है, आप देख सकते हो आपके सामने है। मेन बैकलाइट पे आपको LED लाइट दिखने को मिलेगा। इसके मेन बैकलाइट के ठीक ऊपर के साइड पे यहाँ पे एक हीरो का लोगो भी दिखने को मिल जाता है। उसके ठीक ऊपर के साइड पे एक चाबी का ऑप्शन है। अगर फ्यूल भरना है आपको तो इस चाबी को ऑन करके आपको पीछे की सीट को ओपन करना पड़ेगा, तभी फ्यूल भर सकते हो। दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पे 4.8 लीटर की कैपेसिटी दिया गया है। इस स्कूटर की व्हील बेस है 1238mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 155mm एंड इसकी कार वेट है 104kg। सो दोस्तों ये रहा इस स्कूटर की सारी डिटेल्स। अगर ये स्कूटर खरीदने की बात आती है तो मैं आपको यही राय दूंगा कि 110cc का कोई भी स्कूटर आप खरीद सकते हो। इस स्कूटर को आप आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि ये स्कूटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्कूटर है। जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जा रही है, उसके हिसाब से हमारे लिए कोई कम सीसी का स्कूटर खरीदना ही बेस्ट होगा, क्योंकि माइलेज भी हमें चाहिए।
माइलेज के हिसाब से ये काफी अच्छी स्कूटर है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर और भी इस स्कूटर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मेरे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।